नए अंदाज से कहले व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। देखें ये हमारी माई वॉक कर रही है। वक्त मसरूफ बैठी है। एक प्लेट ले, प्लेट मसलो क्यों है? मैंने बोला है बोल तो मत। बोल बोल व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जिस तरह से आप लोगों को पता है कि सर्दियां जो हैं वो बहुत शदीद किस्म की चल रही हैं, और जनवरी का जो मंथ होता है इसमें वैसे ही फुल सर्दी होती है, और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि मैं जो हूँ आज एक नए तरीके से, नए अंदाज से कह लें, व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जिन लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा, जो मैंने होम टूर का व्लॉग बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो फर्स्टली आप वो जाके देखें, और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैं कहाँ आई हुई हूँ और ये कौन सी प्लेस है। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अब सीन कुछ ऐसे हैं कि मैंने उस व्लॉग में बताया था कि आप लोगों को होम टूर करवाया था, और मैंने अपने दिखाया था रूम, दिखाया था मामा का रूम, फर्नीचर और अपना रूम दिखाया था। तब मेरे रूम में ये फर्नीचर नहीं आया हुआ था। तो अब मैंने जो है तब बताया था कि ऑर्डर पे बनने दिया हुआ है, और वो जिनको भी हम लोग देते हैं तो वो एक डेढ़ माह का गैप लेते हैं, क्योंकि सारा जो फर्नीचर था, कलर वगैरह सारा चेंज और न्यू बनवाया था हम लोगों ने। पिक्स वगैरह, डिज़ाइन वगैरह उनको दिखाए थे, तो उस लिहाज से हमने उनको बोला था कि हमें ये चाहिए। तो उन्होंने कहा था महीना डेढ़ लगेगा अगर आपको ये चीज़ अच्छी क्वालिटी में चाहिए। तो खैर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मेरे रूम का फर्नीचर आ गया है। तो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। ये देखें, ये है मेरा बेड पूरा। अभी भी जो है वो कंप्लीट चीज़ें नहीं है, अभी कुछ एक दो चीज़ें और भी हैं रूम के लिए आनी है। सो जैसे वो आएंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो फर्नीचर आ गया था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं। तो ये देखें, ये है बेड ऑफ वाइट कलर में, और ये है ड्रेसिंग। ये देखें इस तरह से, ये मेरी, ये देखें। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ गया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया है। और क्योंकि ये मेरा थीम ऐसी थी ऑफ वाइट और पिंक कलर का था, अगर मैं पिंक में बनवाती तो वो मुझे था कि थोड़ा ओवर लगेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, ये ऑफ वाइट कलर बेस्ट रहेगा। आप लोग जिस तरह से देख सकते हैं, तो ये देखें, ये जो मेरी हार्ट शेप मैंने आपको दिखाई थी, और ये देखें ये इस तरह से, ये मुझे तो बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। देखें अपनी चीज़, वैसे सबको ही खूबसूरत लगती है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा रूम कैसा लगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। सो आज का जो मेरा व्लॉग है वो ये नहीं है रूम टूर। मैं नीचे बता के ये आई हूँ कि मैं जो है अपने रूम टूर करवा रही हूँ और व्लॉग बना रही हूँ, बट एक्चुअल में जो मैं व्लॉग बना रही हूँ, आज मैंने अपनी अम्मा को जो है ना वो फुल ज़रा तंग करना है, उनको मतलब इग्नोर करना है। उन्होंने मुझे कोई काम भी कहना है मैंने नहीं सुननी और अपनी में लगी रहना है। अच्छा सो देखते हैं उनका रिएक्शन। गुस्सा तो वो बहुत करेंगी मुझे पता है। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत रिस्की है, ये आप लोगों के लिए। ये मैं इस तरह के व्लॉग्स बनाती हूँ और रिस्क अपने सर पे लेती हूँ, और ताकि आप लोग एंटरटेन हों, छोटी छोटी मस्तियाँ होती हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। सो अभी मैं ऊपर हूँ और घर वालों को यही पता है कि मैं जो है व्लॉग आज अपने रूम टूर करना, मम्मा को पता है। अब मैं नीचे जाती हूँ और वो देखते हैं कि वो क्या कहती हैं और क्या होता है। मैं उनको ये बता के कि मैं अपने रूम का टूर करवा रही हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन व्लॉग, चलते हैं उनको ज़रा तंग करते हैं। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं नीचे और देखते हैं कि घर में क्या हो रहा है। आप भी मेरे साथ साथ चले रहिए, देखते हैं। हाँ जी, तो मैं जो है अब अपना ऊपर से नीचे आ गई हूँ और यहाँ पे बैठी हुई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि जो है अपने लिए फ़िश फ्राई करूँ, और फ़िश फ्राई करके जो है थोड़ा सा खा लूँ। तो अभी जो है मम्मा अगर मुझे बुलाएंगी, आवाज़ देंगी, तो मैं उनको नहीं सुनूंगी। आवाज़ लेकिन मैंने नहीं सुनना।
ये देखें, ये हमारी माई वॉक कर रही है, वक्त मसरूफ बैठी है। चुप चुप बिल्कुल चुप। ये हमारी माई वॉक कर रही है, एक्सक्यूज मी। ये बहुत बदतमीज है, लास्ट टाइम ही मेरा प्रैंक इसी ने खराब किया था। ये देखें देखें, दो तीन आवाजें लगाई हैं बट मैं नहीं सुनूंगी। आइए हम चले फिश फ्राई करते हैं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अभी हम फिश फ्राई करते हैं, फिश खाते हैं। ओह माय गॉश, ये देखें फिश को जो है वो मसाला लगा हुआ था, मैंने रात को लगा के रख दिया था कि जब मूड हो फिर बंदा फ्राई करके और खा ले। तो ये देखें, आप अपना काम करें बराए मेहरबानी। फजूल शुरू हुआ है। देखिए हमने हमारा ऑयल गर्म करने रख दिया हमने। यार ये ऑयल ही नहीं गर्म हो रहा। सर्दियों में ना मुझे लगता है सिलेंडर को भी ना सर्दी लग गई है। देखें गैस का लेवल आप चेक करें, इतनी कम आ रही है, ऑयल ही नहीं गर्म हो रहा। मेरी अम्मा जो है वो मुझे बुला रही है और मैं उनको नहीं सुन रही। मैं आपको दिखाऊँ, वो बैठी हैं, वो अंदर रूम में बैठी हुई है। अम्मा जो है वो बुलाती जा रही हैं और मैं जो हूँ लगी हुई हूँ अपने काम। ओ गर्म हो जा, इन्हें खुदा दवास्ता है, गर्म हो जा हो जा हो जा। गर्म ही नहीं हो रहा। ये जो है ना, ये मेरे घर में पप्पो वाला काम करता है। ये जो माई घूम रही है ना आप देख रहे हैं, ये ऐसे ही है। तुझे कब से बुला रही हूँ, क्या मसला है? तुझे कितने देर से बुला रही हूँ, आवाज़ें दे रही हूँ, हैं? तुझे क्या मसला है, ए, बंद कर वीडियो, बंद कर ये। ए इधर मेरी बात सुन लिया, क्या कर रही हो, मछली फ्राई कर रही हो? मैं क्या पूछ रही हूँ, मुझे भी देना अगर मछली फ्राई करो तो। ओके ये बंद कर वीडियो। जिस तरह से अभी आपने देखा, मेरी अम्मा आई थी और अच्छी वाली गुस्से होके गई है, मुझे कह के गई है कि भाई मुझे फिश देनी है, तो अब मैं ये फिश फ्राई करूँगी और मैं उनको नहीं दूंगी, मैं खुद ही खाऊंगी और भाई को दे दूंगी। उनको नहीं मैंने देनी, आज उनको फुल इरिटेट करना है बस, बिल्कुल कोई सी बात कोई जवाब नहीं देना। अरे पप्पो इधर आओ। इस पप्पो को आप जानते हैं, कितनी बदतमीज पप्पो है ये। ठीक है, प्रैंक कर रही है जी, तो मुझे पहले बताते हैं। बदतमीज, इधर फिश खाओगे? कोई ना। हाँ जी, तो फाइनली फाइनली ऑयल गर्म हो गया तो और हमारी फिश फ्राई होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं। अब जो होने वाला है ना, बस अभी मैंने फिश नहीं देनी अपनी अम्मा को। अभी अभी तो कुछ भी नहीं था, ये जो अपने पीछे देखे ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो स्टे ट्यून, बस आप देखते रहे मेरे आज। मैं मुझे लगता है मैं गई, आज नहीं बचना मैंने। हाँ जी, तो ये देखिए ये हमारी फ़िश फ्राई हो गई है। अब जो है इसको जो जितनी मैं खा सकूँगी मैं खाऊँगी, बाकी जो है वो मैं सहमों को दे दूँगी, मतलब मैंने अपनी अम्मा को नहीं देनी, या मैं फ्रिज में रख दूँगी। अभी ये खाते हैं तो अभी उनका क्या रिएक्शन आता है वो भी आपको आप लोग देख ही लेंगे। सो अभी हम ये खाते हैं। साइमा एक प्लेट ले, प्लेट खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी यहाँ से आएंगी, यहाँ से मेरी मुँह आएंगी।
मैंने पूछा है कि फिश फ्राई हो गई है, खुद खा रही हो, पूछ रही हूँ, आवाज नहीं आ रही थी। तुम्हें आवाज नहीं आ रही थी? ये क्या कर रही थी? फिर मुंह पर लेके बैठ गई है। तुझे मसला क्या है? मैंने बोला है बोल तो मत। बोल बोल कुत्ती। मैडम मार के मुझे ये कैमरे में देख के हाथ हिला दें। क्यों? प्रैंक कर रही थी मैं आपके साथ, आपको इग्नोर कर रही थी। कैसे पूरी प्लेट उठा के आ गई। आप लोगों ने देखा है ना मुझे कितना औरत मारती है, जलील करती है। काफी बुला रही हूँ, भोग तो बता दो, से प्रैंक कर रही हूँ। बता के भी कोई प्रैंक होता है? प्रैंक आ रही थी। आप कितनी आराम से पूरी प्लेट पे कब्जा करके ले आई है। दोस्तों कैसे हैं आप साहब? हाँ आप इतनी नाइस नहीं है जितनी बनने की कोशिश करती हैं। इनको ये पता था कि मैं रूम टूर के व्लॉग बना रही हूँ। अच्छा मैंने मोबाइल वीडियो मैंने किस तरह से बनाई थी, फ्लैशलाइट ऑफ थी, कैमरा ऑन था और ना मैंने ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ था। तो आइडिया हुआ कि वीडियो बन रही है? कब कब? अभी जब मैं किचन में भी ठहरी हुई थी या जब मैं इधर ठहरी हुई थी। इनको ये लग रहा था, नहीं पता था, लेकिन जब बाद में मैंने देखा ऐसे मोबाइल हाथ में पकड़ा तो मुझे लगा कि वीडियो बन रही है। कब? तो अभी मैंने क्या क्या बता क्या उसमें अभी जब फ्रिज खा रही थी बाहर। तब पहले जब इन्होंने किचन में मुझे मोबाइल पकड़ा था वो तब भी पता चला था ना किचन में, तब तो ऐसे करके खड़ी थी तो मैंने कहा वीडियो बंद कर। मतलब आपको ये पता था कि वीडियो बन रही है, ये नहीं पता था कि ये कर क्या रही है मेरे साथ? हाँ ये नहीं, तुमने तो बोला था कि मैं अपने रूम का टूर करा रही हूँ, ये मुझे बोल के गई थी कि आप थोड़ा रेस्ट करें क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, ठंड भी ज़्यादा है और मेरी ये बाजू में ना इस साइड वाली बाजू में ना थोड़ा दर्द है, ये मैं गिरी थी उसके बाद से ना अब सर्दियों में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा मैं रेस्ट कर रही थी। तो इसने कहा मुझे रेस्ट करें, मैं अपने रूम का टूर करा के आती हूँ। तो मुझे तो नहीं पता था कि भाई रूम का टूर करा रही है या भाई कुछ और कर रही है। तो नीचे आई है, मैंने आवाज़ दी है, मुझे लगा है कि नीचे आ गई है, तो मैंने आवाज़ दी है कि भाई कुछ खाने को दे दो, तो इसने सुना ही नहीं। पर जब किचन में गई तो आगे इसने फिश निकाली हुई थी, फिर मैंने कहा चलो फिश फ्राई करके मुझे दो। तो फिर मैं उठ के चार पाँच आवाज़ें लगाने के बाद उठ के गई, देख रही हूँ आराम से फिश खा रही है। तुम चुप करके सुमन बुकमन ना जवाब ना कुछ ऐसे ये करके बैठी थी, अब हंस भी नहीं रही थी, थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन से भी नहीं लग रहा था कि चलो। लोगों को जब पिटाई होती है उनको रोना आता है और ये जब मुझे मारने लगी मुझे हंसी मेरी हंसी निकल गई। तब तो हंस रही थी ना, तब हंस रही थी, लेकिन पहले तो तुम्हारा नहीं, इतनी देर में जो मैं फिर चट कर जाऊंगी। छोड़िए ये आप लोग ये देखे। हाँ। ये देखे अभी बताएं क्या ये देखे हाय हाय हशर तो देखे रूम का क्या किया हुआ है। ये तुम्हारी कितनी कचरा हो रहे थे हम। मैंने किए मैं तो ये देखे ये मेरी जगह है, अभी मैं उठी थी सिर्फ ये जहमत किया है कि मैं मुझे ना कुछ खाने को दे दो। मैं तो पूरा दिन इसी में रहती हूं, मेरी नहीं हिल रही। मेरे रूम का भी फर्नीचर आ गया है और हमने इस रूम का नीचे वाले पोर्शन का भी, इसका पेंट होना रहता है वो जिस तरह से थोड़ी गर्मियां स्टार्ट होंगी तो तब करवाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी काम थोड़ा बहुत रहता है, साथ साथ चलता रहेगा। तो फर्नीचर जो है हमने इसका भी चेंज कर लिया और ऊपर वाले का भी, तो ये मैं आपको हुलिया दिखाती हूँ। तो ये देखें ये हमारे बेड है, तो मैं वो मेरी जगह है। इसने ये खुद बोल के गई थी कि आप रेस्ट करें, आपकी बाजू में दर्द है। हाँ। बाजू में टकोर करके गई थी जे गरम, और मैंने किचन से ना वहां से छुपके से आपको दिखाया भी है आधा सा बैठी मैं उठ के बैठी थी ना कि भाई मैं देख रही थी, उठ के आने लगी थी क्या कर रही है। फिर जब थोड़ा टाइम गुजरा मैंने कहा पता नहीं कहाँ गई, अभी आई तो है नीचे। बट मैंने ये प्रैंक करना था 24 आवर्स, इन्होंने एक घंटे के अंदर ये ऐसी की तैसी फेर के रख दिया। भाई ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी मान नहीं है, ये अच्छा प्रैंक नहीं करने देती। जो प्रैंक करते हैं वो थोड़ा बहुत इशारों को देते हैं, नहीं देते नहीं है।
अब मैं फंस गई हूँ, मार के उबला था। मैंने अभी भी चला, जब भी मेरी फिश लेके आई मैंने कहा नहीं फिश तो मैंने खानी है। हाँ जी, तो ये था आज का मेरा छोटा मोटा सा प्रैंक और थोड़ा सा मेरे रूम का टूर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इस औरत को थोड़ा सा समझा दें, होला हाथ रखा करे, हर बात पे मारना शुरू हो जाती है, गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है। जितना मुझे गुस्सा था ना, आप यकीन करें मैंने उसका 10% भी इसको कुछ नहीं कहा, नहीं जितना मुझे गुस्सा था। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि गर्म कंबल से उठ के वहाँ किचन तक जाना, जब उस टाइम की जब आपको बंदा खुद कह के गई हो बंदी के रेस्ट करें या मैं आ रही हूँ, तो फिर मुझे क्या पता कि 5-6-10 मिनट में ये चेंज हो जाएगी इसका माइंड, शैतान आ जाएगा इसके माइंड में। ये शैतान मेरे माइंड में था, मैं आपको इसलिए कह गई कि रेस्ट करें ताकि आपको पता हो कि मैं यहीं पर ही हूँ और मैं रूम टूर का व्लॉग बना रही हूँ, आपको शक ना हो कि भाई मैं आपके साथ कोई प्रैंक वगैरह कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बोल करके। तो खैर, ये था हमारा आज का व्लॉग, आप लोगों ने देखा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट्स करके बताया करें, अपने व्यूज शेयर किया करें, आप लोगों को किस तरह की और भी वीडियोस चाहिए। सो मैं कोशिश करूँगी कि बनाया करूँ। और हाँ बस ठीक है, अब क्योंकि ये मुझे ये देखें, ये देखें फिश ये खत्म हो रही है ना, इसकी ये रजाई इसकी है, ये मुझे रजाई में सोना नहीं आता, मैं कंबल में सोती हूँ, ये लंडा बाजार इसका है। चलो अल्लाह हाफिज़ कर दें। हाँ, तो आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा, प्रैंक कैसा लगा, वाकई मुझे नहीं पता था। तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें जहाँ तक हो सके। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।